अभी मार्केट में आप एक बहुत ज्यादा नाम सुन रहे हैं जिसका नाम है फिंटोज। अभी फिंटोज 15-20 दिन से बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, लेकिन फिंटोज बेसिकली है क्या और इसमें कैसे इनकम करी जा सकती है और कितने परसेंट तक ये सेफ है, इसके बारे में हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सारा कुछ डिटेल प्रोवाइड कराने वाले हैं और आप लोगों को बताएंगे कि जो लोग ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप लोगों को प्लान फिंटोज का, ये कितने लेवल तक सही है, कितना आप लोगों को यहाँ पे इनकम हो सकती है और किस हिसाब से आप यहाँ पे इनकम करने के लायक बन सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आप लोग, आप लोगों को सारा कुछ डिटेल पता चल जाएगा इस वीडियो में। चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए आप लोगों को वीडियो में आगे लेके चलते हैं। देखिए फिंटोज टेक्नोलॉजी है क्या, सबसे पहले इसको जानते हैं। फिंटोज टेक्नोलॉजी एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कॉन्सेप्ट है। अब फिंटोज टेक्नोलॉजी को अगर आप सर्च करते हैं, इसके रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि सर्टिक पर ये वेरिफाइड है। फाइनेंस ने भी इसको टॉप 5 में लिस्टेड कर रखा है। तो इसके बारे में चलिए डिटेल में जानते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सर्टिक बेसिकली है क्या। अगर सर्टिक पे आप इसको सर्च करते हैं तो ये सर्टिक पे आप लोगों को लिस्टेड मिल जाती है और सर्टिक ने इसके बारे में बहुत अच्छा रिव्यू दिया हुआ है। देखिए सर्टिक एक ब्लॉकचेन प्रौद्योगिक कंपनी है। सर्टिक अगर किसी चीज को वेरीफाई करती है तो इसका मतलब वो जो चीज के बारे में बता रही है वो कंपनी 100% सिक्योर और सेफ मानी जाती है। अब सर्टिक की शुरुआत जो हुई थी वो 2018 में येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय में वेब 3 दुनिया को एक अलग रूप देने के लिए इसका शुरुआत किया गया था। सर्टिक जो है ये इन क्लास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीक का लाभ उठाकर ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की सुरक्षा करने की निगरानी करता है। फिंटोज के जो CEO हैं वो मिस्टर लैम्बोर्ट जी हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट कैलिफोर्निया से लिस्टेड है। अब ये जो फिंटोज कंपनी है, फिंटोज कंपनी का जो आपने पहले भी मार्केट में बहुत सारे ऐसे नाम सुने होंगे जो बोलते हैं कि हम खुद का जो है एक अलग ब्लॉकचेन सिक्योरिटी लेके आएंगे, खुद का वॉलेट लेके आएंगे, खुद का जो है कॉइन लेके आएंगे, लेकिन ये लोग लेके नहीं आ पाते। जब तक उनका खुद का ब्लॉकचेन आता है तब तक या तो कंपनी घाटे में चली जाती है या कंपनी भाग जाती है और इन केस में आप लोगों का प्रॉफिट ना होके आप लोगों का नुकसान हो जाता है। लेकिन इसी चीज को अगर आप फिंटोज में देखेंगे तो फिंटोज का खुद का ब्लॉकचेन भी है, खुद का वॉलेट भी है और खुद का कॉइन भी है। चलिए वीडियो में फिंटोज को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे अर्निंग कैसे होती है और क्या ये जो ट्रस्टेबल बता रहे हैं ये सही है या नहीं सही है। देखिए फिंटोज जो कंपनी है उसमें मॉर्गन जो है वो फिंटोज का पार्टनर है। मॉर्गन क्या है इसके बारे में आप लोगों को किसी और वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। अगर आपने देखा होगा तो सर्टिक जो होता है ये सर्टिक इन्वेस्टमेंट करने वाले प्लेटफॉर्म कितना परसेंटेज सेफ है इसके बारे में आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड करती है, तो सर्टिक से ये वेरीफाइड है। और दूसरी चीज बाइनेंस ने भी यहाँ पे अपना जो ओपिनियन था ये रखा हुआ। अगर बाइनेंस पे भी जाके आप सर्च करते हैं, यहाँ साइड में आप देखेंगे, अगर बाइनेंस पे आप जाके फिंटोज सर्च करते हैं तो टॉप 5 पे इसका जिक्र किया गया है बाइनेंस का। बाइनेंस जो है वो वर्ल्ड का नंबर 1 क्रिप्टो बैंक है जबकि फिंटोज जो है वो नंबर 2 पे आ चुका है। ऐसे धीरे धीरे करके देखेंगे आने वाले टाइम पे फिंटोज का क्रेज कैसा है। फिंटोज जो है अपना प्रमोशन ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत तेजी के साथ करवा रहा है। अभी इंडिया में हाल ही में ये लॉन्च हुआ है, कुछ 15-20 दिन पहले इसके बारे में डिस्कस होना स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हमने रिसर्च करने के बाद आप लोगों को इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और ये 100% सेफ है। अगर मैं आप लोगों को अपनी रिसर्च की बताऊं और लोगों के ओपिनियन जो यहाँ पे मिल रहे हैं उनके साथ अगर मैं आप लोगों को तो ये 100% सेफ एंड सिक्योर है। यहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये बेसिकली है क्या इसके बारे में चलिए हम आगे जान लेते हैं। ये फिंटोज का जो टारगेट है वो 2025 तक 100 मिलियन प्लस यूजर लोगों को अपने ओर आकर्षित करने का इसका फुल टारगेट है। अब अभी तक अगर इसने 15 दिन में जो यूजर बेस बनाया है वो 2 मिलियन से ज्यादा लोगों का इसने अपने ओर आकर्षित किया हुआ है। अब 2 मिलियन से ज्यादा यूजर बेस इसका हो गया है तो इसका कहना है कि 2023 के एंड तक ये जो है 10 मिलियन लोगों का यूजर बेस बना लेगी। 10 मिलियन यूजर बेस बनाने के बाद ये लोग अपना खुद का IPO लॉन्च कर रहे हैं जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है क्योंकि IPO लॉन्च करना इतना आसान बात नहीं होता है।
जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे उनमें से बहुत सारे लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आईपीओ क्या होता है, ब्लॉकचेन सिक्योरिटी क्या होती है, इन सब सारी चीजों के बारे में अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी वीडियो आप लोगों को मिल जाती है। ब्लॉकचेन एक ऐसी सिक्योरिटी है जिसे कभी हैक किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि ब्लॉकचेन इतनी हार्ड सिक्योरिटी है जो कभी हैक हो ही नहीं सकती है, किसी के भी थ्रू नहीं हो सकती है। देखिए मैं ज्यादा आपको प्रेफर नहीं करता, लेकिन यहाँ पे मैंने जो रिसर्च करी है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद मैंने $100 से यहाँ पे स्टार्ट करी और एक हफ्ते तक मैंने यहाँ पे पहले अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि जो चीजें यहाँ पे लोग बता रहे हैं क्या ये सही है, ट्रस्टेबल है या नहीं। एक हफ्ते के रिसर्च करने के बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे सारी जानकारी दे रहा हूँ। एक हफ्ते इन्वेस्ट करने के बाद आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो भी आप चाहे निकाल लें और जो आपका यहाँ पे प्रॉफिट होता है उसे भी आप निकाल सकते हैं। इन सारी चीजों को आप लोगों को कैसे यूज करना है ये आप लोगों को फिनटोच के एप्लीकेशन पे भी मिल जाता है। फिनटोच एप्लीकेशन को ज्वाइन करेंगे उसके बाद आप लोगों को सारा कुछ पता चल जाएगा। अब इसको ज्वाइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए अब बात कर लेते हैं कि फिनटोच तो जो सिक्योरिटी है उसके बारे में तो हम क्लियर हो चुके हैं, ये 100% सेफ एंड सिक्योर है, लेकिन अब इसमें हमें पैसे कैसे मिलते हैं और ये रेफर करने पर हमें क्या देता है। देखिए फिनटोच जो है ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, जैसे कि फिनटोच जो है वो यहां से लोन लेता है, उसके बाद यहां पे जो है खुद होता है, उसके बाद यहां पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब यह है कि अगर इसने यहां से लोन लिया तो इससे अपना 2% का ये कमीशन लेता है और 2% का कमीशन लेने के बाद ये 1% खुद रख लेता है, उसके बाद 1% आपको पर डे कमीशन बेस पे दे देता है। तो फिनटोच जो टेक्नोलॉजी लेके आया है ये आज तक मार्केट में कभी भी नहीं थी और इसी कारण से फिनटोच बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है मार्केट में, बहुत ज्यादा अपना क्रेज बना के रखा है अभी मार्केट में, तो ये इसका काम है। इसके साथ साथ ये रेफर एंड अर्न करने का भी यहाँ पे अपना अलग इसे प्रोसीजर रख रखे हैं। अब इस चीज को चलिए थोड़ा डीपली समझते हैं। देखिए रेफर करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे दो लेवल का कमीशन मिलता है। लाइक अगर आपने दो लोगों को ज्वाइन करवाया है तो देखिए मान लीजिए आपने पहले लेवल पे किसी को ज्वाइन करवाया उससे तो आपको 15% का कमीशन मिलता है उसके प्रॉफिट से, लेकिन अगर वो बंदा किसी और को भी ज्वाइन करवाता है तो दूसरे लेवल से आपको 10% का कमीशन मिलता है उसके प्रॉफिट। देखिए फिनटोच में आप लोगों को 5 प्रकार के टीम मैनेजमेंट इंसेंटिव मिल जाते हैं। यहाँ पे जो पहले होते हैं वो होते हैं GM, BP, SBP, ED और EMD। अब इसके बारे में चलिए हम थोड़ा सा बात करते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है। देखिए इंडिया में जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम पे बहुत सारे लोग GM पद के लिए नियुक्त हो चुके हैं, यानी GM पद को अचीव कर चुके हैं। अब लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो GM पद को पाने के लिए क्या क्राइटेरिया है। देखिए GM पद को आप लोगों को अचीव करने के लिए मिनिमम 5 लोगों को डायरेक्ट करना पड़ेगा। अब वो जब 5 लोगों को आप डायरेक्ट करते हैं तो 5 लोगों से मिला के आप उनके टीम से, ऐसा नहीं है कि कोई क्राइटेरिया की 2-3-4 लेवल तक ही, अगर कोई 100 लेवल से भी आप लोगों का $50,000 का यहां पे बिजनेस हो जाता है तो आप GM पद के लिए नियुक्त कर दिए जाते हैं। यानी GM पद के जो कंडीशन है GM पद का उसके लिए आप उस कंडीशन को अचीव कर लेते हैं, उसके बाद आप यहां पे GM पद को अचीव करके पर डे $100 की इनकम कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये GM का होता है। उसके बाद यहां पे MD अभी इंडिया में बन चुके हैं, 1-2 लोग ही बने हैं, और SBP, BP ये सारे लोग तो अभी आउट ऑफ इंडिया बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अभी इंडिया में तो धीरे धीरे बनना स्टार्ट हुआ है। जैसा कि अभी आप लोगों को मैंने शुरुआत में ही बताया था कि अभी इंडिया में इसको लॉन्च हुए कुछ ही दिन हुआ है, तो अभी ये ग्रोथ लेवल पे है। ऐसे 15 दिन पहले अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते थे या गूगल पे सर्च करते थे फिनटोच के बारे में तो इतना ज्यादा आपको वीडियो वगैरह या कुछ भी नहीं मिलते थे, लेकिन अभी फिनटोच ने जिस हिसाब से अपना क्रेज बनाया है, जिस हिसाब से इसने यहाँ पे अपना नाम बनाया है, उस हिसाब से बहुत ही ज्यादा तरक्की करने वाला है आने वाले टाइम में। देखिए फिनटोच की जितनी जानकारी थी जो मेरे से हो सकती थी मेरे रिसर्च के अनुसार वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है। अब फिनटोच जो है इसके बारे में अगर आप लोगों को ज्यादा डिटेल में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से जाके आप रजिस्टर कर दीजिए और आप लोगों को एक मोबाइल नंबर मिल जाएगा, उस मोबाइल नंबर पे आप कॉल करके ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों को कुछ और समझ में नहीं आता कि रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करना है तो उन सब सारी चीजों के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके एक
अलग बिजनेस करने का तरीका जो है वो कैसे ढूंढकर अच्छा खासा इनकम यहाँ से ले सकते हैं। और यकीन मानिए अगर आप यहाँ पे जुड़ते हैं तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा खासा आप यहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास $100 है तो आप इस $100 से यहाँ पे शुरुआत करिए। $100 को एक हफ्ते के लिए आप यहाँ पे दांव पे लगाइए। अगर आप लोगों को भरोसा है तो एक हफ्ते में आप लोगों को $7 मिलता है, यानी एक हफ्ते तक आपको 1% मिलता है। उस 1% को आप देखिए, अपना जो पैसा लगाए हैं उसको अगर आपको फिर निकालना तो निकाल लीजिए, प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के बाद। उसके बाद आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। प्रॉफिट जब आप निकालेंगे तो 5% यहाँ पे कंपनी रख लेती है खुद से। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ये आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से नहीं होता, ये आपके प्रॉफिट में से होता है, जो 5% कंपनी खुद का प्रॉफिट रखती है। मैं अपने हर एक वीडियो में आप लोगों को बोलता हूँ कि कभी भी ऐसे किसी भी बिजनेस मॉडल में लोन लेके या ऐसे कुछ भी करके वहां पे पैसे इन्वेस्ट ना करें जिससे आने वाले टाइम पे आपको नुकसान हो सकता है। देखिए मार्केट है, ये बिजनेस है, कभी भी अप एंड डाउन हो ही सकता है, इस पे किसी का बस नहीं होता है। ये आने वाले टाइम पे लोगों के ऊपर से, मार्केट के ऊपर से ये कैसे बूम कर सकता है, कैसे डाउन हो सकता है, ये सारा कुछ हमारे और आपके हाथ में नहीं होता है। तो ये जानकारी थी, आप लोगों को आई होप पसंद आई होगी। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये 100% सेफ एंड सिक्योर है। अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो $100 से आप यहाँ पे स्टार्ट करिए। अगर आपको प्लान अच्छा लगता है, इनकम आपको होती हुई नजर आती है तो उस $100 को आप फिर से री इन्वेस्ट करिएगा, अदरवाइज $100 से आप डाल के $7 का प्रॉफिट लेके यहाँ से निकल लीजिए। आई होप ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, रजिस्ट्रेशन आप जाके कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत तरीके की इनकम भी होती है, सारा कुछ इस वीडियो में मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके ऊपर मैं बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर लेते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय फिंटोज।